हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, थंबनेल में जो आपने देखा फ्री टेम्पलेट्स फॉर यूट्यूब थंबनेल, जो आपने देखा वो सही है। वैसे तो बहुत लोग इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, मगर फ्री टेम्पलेट्स आप यूज़ कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। कैनवा में बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव थंबनेल्स, क्लिकेबल थंबनेल्स आपको दिए जाते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने YouTube थंबनेल में लगाने के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही कैनवा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जैसे ही कैनवा ओपन करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, ठीक है। मैं अभी लैंडस्केप मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं उस तरीके से करेंगे तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, ठीक है। करने के बाद में सिंपली आपको इस क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करना है। क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए YouTube थंबनेल करने के बाद में आपके पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसे स्लाइड कर देना है नीचे, ओके। उसके बाद में आपको सिंपली इस प्लस वाले पे क्लिक करना है, ओके। इस प्लस वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे कोई भी टेम्पलेट जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे अभी लैंडस्केप मोड में करता हूँ। तो आप यहाँ से जितने भी फ्री टेम्पलेट्स है वो यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि जो भी फ्री होगा वो आपको इस तरीके से दिखता है, जैसे कि ये फ्री है, ओके। इसमें आपको कोई भी कैनवा का आपको यहाँ पे लोगो देखने को नहीं मिलता। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे यूज़ नहीं करना आपको। आप अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वाटरमार्क आएगा थंबनेल में, आपको फिर आपको कॉपीराइट क्लेम का इश्यू आ सकता है, ठीक है। तो जितने फ्री टेम्पलेट्स है जैसे इस पर क्लिक करना है आपको, जितने भी टेम्पलेट्स है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फ्री है, देखिए यहाँ पे कैनवा का यहाँ पे वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको, इसके इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस इंसान के जगह में आपको इस पर क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद में इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। PNG फोटो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद में ये दोनों चीज़ें, जैसे इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं क्लिक करके। तो यहाँ पे कुछ अपना जो टाइटल है या थंबनेल के ऊपर में आप जो कुछ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा। करने के बाद में मैं इसको चाहे तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। इसे फिर से वापस लाने के लिए आपको ब्लैक वाला को आपको सिंपली इस ऊपर वाले में ऐसा क्लिक करना है, ये वापस आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये लिखा हुआ भी वापस आ जाएगा, ओके। तो इसके ऊपर में कुछ आपको लिखना है, जैसे कि इस 500 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100%, ओके। 100% लिखने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, लाइक ओके 100% वर्किंग टिप्स, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ फोटो लगा देना है, ठीक है। जैसे गैलरी पे जाऊँगा, जाने के बाद में यहाँ से आपने जितने भी फोटो, यहाँ से कोई भी फोटो आपने PNG फॉर्मेट में बना रखा है, ठीक है। जैसे कि मैं इस रिसेंट पे जाऊँगा, उसके बाद में मैं इस डाउनलोड्स वाले सेक्शन पर जाता हूँ। इस डाउनलोड्स पर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी फोटो अपने यहाँ पर लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसी फोटो को ले लेता हूँ, ओके, लाइक दिस वन। इसको यहाँ से क्लिक करके उसके बाद में इस एड टू पेज पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में बैक जाऊंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस पर एक बार क्लिक करूंगा। करने के बाद में इसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद में और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर में वीडियो बना रहे हैं, इस एलिमेंट पे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको लिख देना है यूट्यूब, ऊपर में लिख के यहाँ से सर्च कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यूट्यूब से बहुत सारे आ जाएंगे, ओके, जैसे कि ये, ओके। जैसे कि ये यहाँ पर डबल आ गया है, ओके। तो मैं इस पर क्या करूँगा, इसे क्लिक करके एक बार यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ओके। उसके बाद में इसे यहाँ से इस तरीके से नीचे कर दूँगा और इस यूट्यूब को ऐसे ऊपर कर दूँगा, ओके। इसे और थोड़ा छोटा कर दूँगा, लाइक दिस, ओके। उसके बाद में यहाँ से इसे ऐसे कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ओके, ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट इसके नीचे में कुछ ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि ये बड़ा है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बेसी जगह है नहीं, तो आपको क्या करना, अगर छोटा यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो इस ऐड शेयर वार्निंग पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से एक बार इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके इसे यहाँ से रिमूव कर देना। यहाँ पर 100 कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ओके। उसके बाद में आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, क्लिक करके सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद में इस बोल्ड पे क्लिक कर देना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ओके। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। सो इसे हम यहाँ को ऐसे करके
नीचे सेट कर देंगे। ओके आप चाहे तो और भी कुछ एलिमेंट यहाँ लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो इस एलिमेंट पर क्लिक करना है, इसको आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको लिख देना है ब्लॉगर। यहाँ पे सब कॉपीराइट फ्री है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो भी कुछ आप लेंगे सब कॉपीराइट फ्री मिलेगा। ठीक है, इस ब्लॉगर जैसे कि ब्लॉगर, ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब का लोगो यहाँ लगा सकते हैं। ओके ब्लॉगर का बना रहे हैं ब्लॉगर के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों इसी तरीके से आपको जितने भी टेम्पलेट्स आपको यूज़ करना है। होप करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर देना ताकि जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को अपने भाई को आपका प्यार दीजिएगा ताकि आने वाला टाइम पे जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो हैं मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ।